चलो जाओ। अंतराम आवास से जागरूकता दिवस दलित संगठन से यहाँ पर हमारे साथी को मतलब झूठे आरोप में फंसाया नितिन भाई को, और हमारे दिलीप भाई को भी झूठे आरोप में फंसाया, मुझे भी झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसे मतलब यह है आदिवासियों की सरकार कहाँ है? आदिवासियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, आदिवासियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, और हमारे ऊपर झूठा प्रकरण बनाकर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है। हम मतलब आदिवासियों को दबाया जा रहा है, और जो जागरूक लोग जो संगठित लोग हैं उन लोगों को कमज़ोर किया जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो हम ना नितिन भाई इस केस से डरने वाले हैं, ना हमारा समाज इस केस से डरने वाला है, ना हमारा आदिवासी समाज इस केस से डरने वाला है। क्योंकि अगर किसी को मारते हुए उठाया है और किसी को वहाँ पर लेकर गए हैं तो अगर किसी ने उनको अगर किसी को फ़ोन पर अगर किसी से बात कर रहा है तो फ़ोन पर बात करना गुनाह है। तो क्या फ़ोन पर बात करना गुनाह है? तो जिन लोगों ने फ़ोन पर बात किया, जिन अधिकारियों ने फ़ोन पर बात किया, वो भी गुनहगार है, वो भी अपराधी है, उनको उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। देश में कानून की बात करना, देश में अपने हक की बात करना, अधिकार की बात करना क्या गुनाह है? तो हम आदिवासियों की सरकार नहीं है, और हम आदिवासियों की सरकार कहाँ है करके लिए सर पूछना चाह रहे हैं। आज जो नितिन भाई का गिरफ्तारी हुआ है वो पूरा फर्जी केस में गिरफ्तारी किया गया है। शासन और प्रशासन की ये साजिश है। जागरूक आदिवासियों के ऊपर हमला है, ये नितिन भाई के ऊपर हमला नहीं है, हमारे पूरे प्रदेश के पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों जागरूक आदिवासियों के ऊपर हमला है। ये सरकार की मंशा क्या है? सरकार क्या कहना चाह रही है? जो देश के मूल मालिक है, जो अनाज पैदा करके पूरे देश को पालने वाले आदिवासियों पर जो हमला हो रहा है, ये पूरे आदिवासी पर हमला हो रहा है, और जो जागरूक आदिवासियों के ऊपर हमला हो रहा है, ये हमला पूरे देश प्रदेश के आदिवासी एकजुट होंगे और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। हमारा संवैधानिक हक अधिकार लेने के लिए हम हमेशा डट के रहेंगे। इस हमले से हम डरने वाले नहीं, आगे लड़ेंगे। हमारा जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता, मेरा नाम रतन अलावे।